गुड मॉर्निंग गाइस। स्वीटी क्या बना रही है आज, आपको दिखाती हूँ। सॉरी, पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और ये पार्ट टू या पार्ट थ्री हो के आएगा, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा जाता है तो मुझे शॉर्ट करना पड़ता है आप लोगों के लिए, ताकि आप बोर ना हो। ये पूरा सवाल फैला हुआ है, देखो स्वीटी बना रही है। रुक जाइए, मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा से। देखिए स्वीटी बना, रात को बनाई थी इसने पकौड़े, जो पेस्ट बच गया था उसमें इसने और आलू मिक्स कर दिया है और फ्राई कर रही हूँ। तो बोले मम्मी मैं आलू का बना लेती हूँ। रात को बना था पत्ता गोभी के पकौड़े, अभी बना रही है आलू के। और चाय हमारी तैयार होएगी, अभी रखा है हमने दूध और ये राइस चढ़ा दिया है। तो चलो चाय तैयार कर लेते हैं। क्या हुआ, लग गया था। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। हमारे चैनल को ढेर सारे सब्सक्राइबर्स मिले, मतलब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमें सब्सक्राइबर मिलेंगे और हमारे चैनल की ग्रोथ होगी। तो आप हमारे चैनल को बहुत सारा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिसे सब्सक्राइब हो लाइक करो और बहुत सारा कमेंट करो। और पकौड़े के लिए भी सब्सक्राइब करो। हाँ, पकौड़े के लिए भी सब्सक्राइब करो और खाने भी आ जाओ हर चीज। ये देखिए गाइस, ये बनाया पत्ता गोभी के पकोड़े, ये स्वीटी ने बना दिए अभी आलू के और अभी डाल ही रही है। और हमारा चाय रेडी हो गया है। तो भाई केटली मस्त गर्म हो गई हमारी। भगोना भगोना क्या बोलते इसको, ये कैसा चावल की तरफ इस तरह था तो ये ना गर्म हो गया। तो आज ही चाय पीने, कौन कौन चाय पीना चाहता है भाई। हम तो चाय के दीवाने हैं, हमें तो गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो, हर वक्त चाय चाहिए, लेकिन बारिश सर्दी में ज़बरदस्त चाहिए। तो आज ये भाई और हमारी बेटी देखिए बना रही है। तो हमारी एक बेटी के लिए सब्सक्राइब बनता है, लाइक शेयर कमेंट कर देना और बिग स्माइल के साथ करना, खुशी खुशी करना, ताकि हमारा चैनल भी खुशी खुशी ग्रोथ करे। तो गाइज मैंने नैन्सी को बोली कि बेटा सब्जी बनाना है तो फ्रिज में से आप थोड़े से जो भी सब्जी है लेके आ जाओ। तो मैं फटाफट काट के बना देती हूँ, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है नैन्सी को लेके। और उसका MRI भी आ गया, डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने इसको थायराइड का, शुगर का और आँखों का भी टेस्ट बताया कि उसका टेस्ट करा के रिपोर्ट लेके आओ, तो फिर हम देखते हैं क्या है करके। क्योंकि इसके ना सर का दर्द ख़त्म नहीं हो रहा और सर के दर्द के कारण इसके आंखों में भी फर्क पड़ रहा है। उसके भी आज आइस टेस्ट और थायराइड है ना, थायराइड तो हो गया। हाँ, थायराइड का ये सब करवाना है तो उसके लिए जाना है। और सब्जी मंगाई तो ये लेके आए, उसमें से क्या निकला, नींबू। नींबू बताओ, इसकी सब्जी बनती है। और ये निकले आम, बताओ सब्जी है नहीं फ्रिज में। और मैं सोची जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ, फिर मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, सब्जी ही नहीं है फ्रिज में। इतना सा पत्ता गोभी अभी वो मंगाऊंगी, उसको काट के बना दूंगी, फिर मार्केट अगर जाते जाते वहाँ से रास्ते में सब्जी का मिल गया मार्केट तो मैं सब्जी ला लूँगी। तो चलो गाइज, आज जो ब्लॉग का तो मेरा हिम्मत नहीं हो रही है, पर मैं सोची आपसे अपडेट कर दे देती हूँ आपको अपडेट। जो डाले बेटा पत्ता गोभी, तो मैं सोची आपके साथ शेयर कर लेती हूँ जो भी बातें हैं। आप मेरी फैमिली जैसे हो, तो आप फैमिली जैसे मतलब फैमिली ही हो। मेरे दुख को, मेरी परेशानी को आप समझोगे, इतना मैं जानती हूँ। तो दुख को तो उसी से बांटा जाता है जो समझे। तो आप लोग मेरे दुख को समझते हो, आप लोग सपोर्ट करते हो, परिवार भी हो, दोस्त भी हो। तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे ना सोच सोच के कि बच्ची को क्या है, ठीक नहीं। क्योंकि डॉक्टर ने अभी तक तो फिलहाल पेन किलर ही दिया है रिलीफ के लिए, और पेन किलर ऐसे ही ज़्यादा खिलाना भी अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। लेकिन अब देखते हैं, आज आँखों का टेस्ट करवा लेते हैं, फिर रिपोर्ट क्या आती है वो सब दिखा के डॉक्टर ने बोला कि फिर पूरा फिर डिस्कस करेंगे कि क्या है बच्ची को प्रॉब्लम। लेकिन मैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो ये बोलती हूँ भगवान मेरी बच्ची को कुछ ना हो, क्योंकि मेरे लाइफ में सिर्फ मेरे ये तीन बच्चे ही हैं, मेरी ज़िंदगी इनसे ही शुरू, इन पर ही ख़त्म है ना। मैं तो बस ये बोलूँगी सारी दुनिया बोलोगे तो ये तीन मेरे ही हैं बस। और बस दुआ करो मेरे बच्चों को कुछ ना हो, क्योंकि इनको कुछ होगा तो मैं तो वैसे ही नहीं रह पाऊंगी। कुछ ख़त्म की और अबरी वाली बात हो जाती है, क्योंकि बच्चों को कुछ हो तो वैसे भी माँ बाप कहाँ खुश रह पाते हैं, क्योंकि वही तो इनकी जान होते हैं। तो बस मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगी कि आप सब लोग जितना सके भगवान से दुआ करिए मेरे बच्चे के लिए, और दुआ में बहुत शक्ति होती है। तो अभी पत्ता गोभी काटूँगी, इतना ही है, अब इसको बना लूँगी।
रंबो चुगली सुनता है हमारी, रंबो सारी बातें सुनता है। अगर हम बात जब करेंगे ना आपस में तो कहीं भी कोने में रहेंगे ना तो ऐसे कान उठा लेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, ऐसे करते हैं। अब ट्रिंकू क्या कर रही है मैं आपको दिखाऊं? दिखाती हूँ बस। उठ गई, फट से उठ गई, जोश आ गया अंदर, इतने आलस गए, ऐसे 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 हो रखी थी बिल्कुल। मम्मी आँख नहीं खुल रही, आलस आ रहा, उसको नाश्ता भी करा दिया, सब कुछ करा दिया, उसको आलस ही आ रही है आज बहुत। अभी जैसे वाली कैमरा और जैसे उठाने लगी फट से बिल्कुल बहुत एकदम क्या बोलते तीव्र गति से, तीव्र गति एकदम स्पीड, फिर से लट गई। उठा रहे कैमरा दिखाओ। बच्चों को, बच्चे के सामने ऐसे खुश रहो, गाना गाओ, डांस करो, बस ये इसलिए ऐसा करती हूँ कि वो भी खुश रहे, हंसते रहे। नैन्सी की वो कंडीशन आपको दिखाती हूँ कि कैसी हो रखी है, तो मेरा बच्चा अभी दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा फेस तो दिखा दो, उठ जा अच्छे से, उठ जा, उठ जा, उठा, उठ जा, इधर आ जाओ थोड़ा सा, देखो कैसी दिख रही है मेरी गुड़िया, देखो कैसे हालत उसकी हो रखी है। मेरी नैन्सी इतनी अच्छी, इतनी लड़ाकू, इतनी झगड़ालू, इतनी चिल्लाने वाली, बेइज्जती कर रहे गुस्से वाली, सब एकदम साइलेंट सी हो गई मेरी बेटी, पर गुस्सा भी थोड़ा थोड़ा है ना, चिड़चिड़ कमेंट्री देना बनता है। तो भगवान से बस दुआ करना, आप सब लोग भी यही कहूँगी मेरे बच्चों को खुश ना हो, क्योंकि बच्चे हैं अपना परिवार होता है तो इतना डरते ही है। डॉक्टर तो जो सही है वही करते हैं, बस सही इलाज मिल जाए इसका, क्योंकि डॉक्टर भी सिटी स्कैन MRI करा के भी मतलब अभी भी कन्फ्यूज हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए टेस्ट भी टेस्ट करवा रहे हैं। तो चलिए गाइस, जो भी है थोड़ा बहुत अगर शूट करना हो तो कर दूँ, वरना मेरा कोई मन नहीं है, बस आप लोगों के लिए कर रही हूँ। तो चलिए गाइस, मैं सब्जी काट लेती हूँ, फटाफट बना लेती हूँ खाना, और घर के जो भी काम है वो निपटाती हूँ, तो जो हो जाएगा वो आपसे शेयर कर लूँ, सब करूँगी, कोशिश करूँगी, क्योंकि मुश्किल लग रहा है मन तो अंदर से नहीं, इसलिए मेरा कल ब्लॉग नहीं आया, मैं ब्लॉग डाली नहीं क्योंकि शूट करने का मन ही नहीं था। कल भी हम हॉस्पिटल ही गए थे तो क्या शूट करूँ, बच्चा बीमार है, लेकिन मैं सोची चलो आज मैं आपको अपडेट दे देती हूँ, शेयर कर लेती हूँ, ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग भी सोचोगे कि हाँ आ नहीं रहा है मैडम का ब्लॉग, क्या बात है, हमारी दीदी नहीं आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई भी हैं और बहुत सारे मेरे इसमें फैमिली भी है, सभी हैं, तो एक तो बड़ा वाला भाई है, स्वाति दीदी हैं, तो सब लोग मुझे मिस करते हैं, मुझे पता है, इसीलिए मैं कहा चलो आप लोगों के लिए ब्लॉग बना लेती जितना होता है। मेरी सब्जी हो गई है, अब मैं जा रही हूँ बनाने। चलो गाइस, जो होगा वो शेयर करूँगी, बने रहना मेरे साथ, ठीक है। अभी मेरी फैमिली और दुख में सुख में साथ परिवार ही होता है, बाहर वालों का तो उम्मीद नहीं कर सकते, तो आप मेरे परिवार हो यही कहूँगी, ठीक है। तो चलो बने रहो आप। But I have to stay afloat, it's noisy. Be a person you don't want, can somebody save me of the thing I'm going to do, going to do. Where's the life I, where's my shy head, is this call living? I don't know, where's the life I, I don't wanna grow. Just leave myself. I don't wanna grow. The things I left behind me. I don't wanna grow. Just
behind me.